ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब तक हम जितने भी वैल्यूज रख दे रहे थे सारी के सारी हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे थे। हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब मैं असाइन कर रहा था डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज। अभी मुझे यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से पूछना है कि एंटर अ नंबर एंड उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे यूजर को आउटपुट दिखाना है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक स्क्वायर वाला प्रोग्राम लेंगे। हम यूजर से एक नंबर लेंगे और हम उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करके दिखाएंगे यूजर को। ओके, सो वी आई एम हमारा कौन से नंबर का प्रोग्राम है? 8 नंबर का प्रोग्राम। सो वी आई एम 8 अंडरस्कोर रीडिंग इनपुट डॉट सी। ठीक है, इंसर्ट मोड रीडिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इंटीजर मेन का यूज करके क्या करेंगे हम प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट लिखेंगे। टैब स्टॉप एस्केप एंड यहाँ पर इंटीजर एक्स नाम का ही वेरिएबल, लेट्स से नंबर नाम का वेरिएबल लेते हैं, बट इसमें वैल्यू असाइन नहीं करते, हम यूजर से वैल्यू पूछने वाले। तो यूजर से वैल्यू अगर लेने वाले हैं तो यूजर को कुछ ना कुछ हमें पहले मैसेज भी दिखाना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कोई मैसेज। तो वो प्रॉम्प्ट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एंटर अ नंबर। सो यूजर क्या सोचेगा, हाँ मुझे कोई तो भी एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, सो इसके बाद क्या होगा कि यूजर के स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करना चाहिए टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो उसके लिए मेरे पास एक सेकंड फंक्शन आता है स्कैन एफ। स्कैन एफ में मुझे क्या देना पड़ता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस देना, किस वेरिएबल में वो वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, सो नम के अंदर वो वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, तो प्रिंट एफ कर देते हैं उसका स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ लेट्स से 5 इज, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, यही आउटपुट मुझे दिखाना है यूजर को। सो एस्केप कोलन W एंड एंटर कंट्रोल से GCC space 8 टैब एंड एंटर। तो कंपाइलेशन कोई एरर नहीं है, /a.out दिखाते हैं और देखते हैं। देखो ये इनपुट के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 5 और एंटर किया, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 वहाँ पर लिख के आ रहा है। FG प्रेस करके फिर से प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पर न्यू लाइन चाहिए मुझे तो /n दे देंगे, बट अभी ये डायनेमिक नहीं है, मुझे डायनेमिक वैल्यू चाहिए। वहाँ पर मैंने अगर वैल्यू डाली 6 तो 6 का आउटपुट आना चाहिए। तो मैंने कहा था कि पहले आप हार्ड कोडेड आउटपुट ले लो और फिर बाद में उसको रिप्लेस करो फॉर्मेट स्पेसिफायर से। परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ओके, तो पहली परसेंट डी की वैल्यू किससे रिप्लेस होनी चाहिए? नम से। एंड सेकंड परसेंट डी की वैल्यू किससे रिप्लेस होनी चाहिए? नम इंटू नम। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन हो जाएगा और वही वैल्यू यहां पर रिप्लेस हो जाएगी परसेंटेज डी के अंदर। सो एस्केप कोलन डब्लू एंटर कंट्रोल जेड से बाहर निकल जाएंगे, जीसीसी का यूज करके 8 नंबर का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और यहां पर कंट्रोल एल से क्लियर .a.out से हम रन करेंगे। यहां पर अगर मैंने 6 डाला तो स्क्वायर ऑफ 6 इज 6। फिर से रन करते हैं, मैं कोई और वैल्यू डाल के देखता हूँ तो भी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, FG प्रेस करके फिर से कोड एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन क्या करेगी? सिर्फ डिक्लेरेशन है फॉर नम जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने वाला है। उसके बाद सेकंड लाइन क्या कर रही है कि एंटर अ नंबर, मतलब यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं हम मैसेज कि उसने क्या करना है। ठीक है, फिर बाद में स्कैनएफ का यूज करके फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वहां पर एड्रेस ऑफ नम, मतलब नम के एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर करनी है। एंड उसके बाद वाले स्टेटमेंट में स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, मतलब पहला परसेंट डी रिप्लेस हो जाएगा जो भी नम में वैल्यू हम इनपुट देंगे और सेकंड परसेंट डी रिप्लेस हो जाएगा नम इनटू नम से। तो स्क्वायर ऑफ नम इज नम ऐसा लिखेंगे। सो कोलन डब्ल्यू क्यू से मैं राइट क्विट कर देता हूँ, फिर से एक बार .a.out करते हैं और यहाँ पर देखते हैं 10 का स्क्वायर क्या है, 100। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज स्कैनएफ to take input from user. Okay.